हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरे एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं फार्मर लाइफ सिमुलेटर। और आप सब भाई सोच रहे होंगे मैं इस टाइम फार्मेसी की दुकान के आगे क्या कर रहा हूँ। बाकी मैं बता दूं यार, जो आपको साइड में मेरी हेल्थ दिख रही है भाई बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस टाइम अपना भाई इलाज कराने आया हूँ यहाँ पे, तो इनसे भाई हम अपना इलाज करा लेते हैं। बट मेरे पास भाई अभी पैसे नहीं है बिल्कुल भी, मतलब यार मेरे पास $1 पड़े हैं। हाँ, मैंने भाई कुछ वेजिटेबल अभी अपने फार्म में लगाए हुए थे। चलो कोई नहीं, उसे लेके आते हैं और उसे बेच के पहले अपना भाई इलाज लगाए, मतलब यार इलाज कराएंगे। और आप सबको बताया भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो इलाज तो मैं करा नहीं सकता। हाँ, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो जल्दी से हम इलाज करा लेंगे। तो जल्दी से चलता हूँ अपने फार्म में। तो आ चुका हूँ मैं अपने फार्म के पास। बाकी यहाँ पे मेरा भाई घर भी है, आप सबको पता है। तो यार देखो भाई, यहाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है। और आप सबको बता दूँ, मैंने ये वाले बॉक्स ना काफ़ी ज़्यादा बाय कर लिए हैं। मतलब भाई पूछो मत, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब के सब इसमें उड़ा दिए हैं। बाकी हाँ, थोड़े बहुत भाई मैं जो प्लांट्स थे वो भी लेके आया हूँ। तो प्लांट्स के लिए भाई मैं इसलिए प्लांट्स लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को देखो आज लेके आना है भाई क्या था हमारा फर्टिलाइज़र, जो कि मैं बाय करके लाऊंगा। और भाई यहाँ पे जो पाइपें देख रहे हो ना आप, वो पिछले वाला अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो जाके चेक कर लो, उसमें आपको पता लग जाएगा भाई ये जो पाइपें है ये कहाँ से आई हमारे पास। बाकी आज हम लगाने वाले हैं अपने लिए भाई फर्टिलाइज़र, जिससे कि भाई हमारे थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। तो जल्दी से ना मैं एप्पल उप्पल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस वक्त मैंने ना भाई जितना भी सामान था मैंने अपनी गाड़ी में लोड कर लिया और मैं इसको जा रहा हूँ अभी बेचने के लिए। और आप सबको दिख गया होगा भाई कितना ज़्यादा मेरे पास सामान है। तो मैं जल्दी से चलता हूँ भाई, यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा भाई मैं स्पीड में लेके जा रहा हूँ। हाँ भाई स्पीड में तो ज़रूर लेके जा रहा हूँ, बट भाई इसे चलाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो कोई नहीं, हम चलेंगे पहले मतलब यार कहाँ जाना था हमने, हाँ वेजिटेबल शॉप पे, और देखेंगे दोनों पे भाई किस पे ज़्यादा प्राइस चलेगा। अगर भाई दोनों पे अच्छा प्राइस होगा तो हम दोनों पे एक एक सामान बेच देंगे। अगर हमें एक पे ही अच्छा सामान मिल जाएगा तो भाई हम एक पे ही बेच देंगे। तो मैं चल के देख लेता हूँ भाई कौन सा सामान किस पे हमारा महंगा बिक रहा है और किस पे सस्ता बिक रहा है। बाकी ये आ चुकी है वो पहले वाली दुकान, तो यहाँ पे अपनी शॉप को रोकते हैं। बाकी हाँ गाइस, हमें भाई अभी शॉप खरीदनी है, शॉप खरीदने के लिए बट मेरे को पहले अपना पैसा बचाना पड़ेगा। तो पैसा बचाने के लिए तो देख लेते हैं, बाकी अंदर चलता हूँ। और भाई इसके पास क्या चल रहा है ऑफ़र इसके पास, मतलब यार काफ़ी अच्छा सा ऑफ़र चल रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं वो हम बेच देते हैं यहाँ पे, बाकी जो चीज़ें हम लेके चलेंगे वो ले चलेंगे हम बाहर की साइड दूसरी वाली शॉप पे। तो मेरे पास जितना भी सामान था मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी अंदर चल के देख लेते हैं भाई इनका प्राइस क्या है। देखो मेरे पास एप्पल थे और ये जा रहे थे $60 के आसपास, तो मेरे को अभी भाई $400 के आसपास भाई पैसे मिल चुके हैं। तो मैं जल्दी से चलता हूँ दूसरी वाली शॉप पे और वहाँ देखते हैं ये भाई हमारे पास जितना है टमाटो पड़ा है वहाँ पे कितने का बिकेगा। तो मैंने जितना भी सामान था मेरे पास भाई टमाटोज पड़े थे वो मैंने इस वाली दुकान में रख दिया है। बाकी हाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और उससे मैं देख तो भाई कम से कम मेरे को $500 मिल चुके हैं यहाँ पर। और इसमें भाई अभी थोड़े बहुत पैसे कम है, हाँ हम थोड़े बहुत पैसे जोड़ेंगे। और देखो यार काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, मतलब यार रात के 12 बज चुके हैं। आप सब सोच रहे होगे भाई इतनी जल्दी रात कैसे होगी, तो मैं बता दूं भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब यार बंदे को एक ही जगह खड़ा के ऐसे ही छोड़ दिया था, तो रात हो गई मैं कुछ करने चला गया था। बाकी हम चलते हैं मार्केट में भाई बंदे के लिए दवाई खरीदेंगे। देखो यू आर स्टिक, मतलब यार हम काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं तो हमें अपने लिए मतलब यार सामान ले मतलब दवाई लेनी पड़ेगी। सिक मतलब भाई बीमारी होता है, फीवर वीवर है बंदे को, तो हम वहीं लेके चलते हैं अपने बंदे को दवाई दिलाएंगे। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फार्मेसी की दुकान पे फिर से। और भाई मैं ना कभी सोचता नहीं हूँ यार इतनी ज़्यादा रात हो रही है और भाई इतनी रात में मैं आया हूँ, बट दुकान वाला भाई सामान बेच भी रहा होगा तो क्या, नहीं यार करना क्या है, हमें अंदर चलना चाहिए भी। कोई नहीं यार, अंदर चल के हम पता कर लेते हैं कि कितना भाई अगर दवाई देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तब भी ठीक है। बट भाई यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो भाई ये बंदा ना ऐसे ही अकड़ी के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ मेरे हिसाब से ना रात हो चुकी है तो ये बंदा हमें दवाई नहीं देगा, तो मुझे करना क्या चाहिए इतनी रात में, हम घर जाएँ या भाई फार्म पर जाना चाहिए। नहीं फार्म तो हमारा भाई घर में ही है, तो चलो कोई नहीं हम पहले चलते हैं घर पे और सोएंगे, इतनी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है इसलिए।
तो आ चुका हूँ यार मैं अपने हाउस में। बाकी यार मैंने सोचा भाई फर्टिलाइज़र नहीं था मेरे पास। देखो यहाँ पे मेरे पास ये सामान तो थे, प्लांट्स तो थे, बट मेरे पास ना इस टाइम फर्टिलाइज़र नहीं था, तो मैं फर्टिलाइज़र भी लेने चला गया नर्सरी में। हाँ मैंने दिखाया ज़रूर नहीं है, बट मैंने सोचा यार वीडियो को इतनी लंबी भी नहीं करना है अभी। बाकी यहाँ पे ना पहले मैं जितने पौधे हैं उसे लगा लेता हूँ। देखो मेरे पास प्लांट्स काफ़ी सारे पड़े हैं, वो मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा भाई। जितने ज़्यादा हो सकेंगे हम प्लांट्स लेके आएंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ भाई, देखो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम भाई अपनी दुकान खोल लें। हाँ उसके लिए हमें पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मेरे पास देखो ये लेके आ रखा हूँ मैं फर्टिलाइज़र। हाँ जब हमारे पास $1000 हो जाएंगे, $1000 क्या हमारे पास होने वाले हैं, $750 है ये भाई। मॉर्निंग तक ना मेरे हिसाब से हमारे पास $1000 पूरे कलेक्ट हो जाएंगे। और हम चलेंगे फिर अपना जो टमाटो है उसे बेचेंगे, वहाँ से हम निकलेंगे भाई नर्सरी की शॉप में, और नर्सरी से वहाँ से लगवाएंगे अपने लिए फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र लगवाने के बाद आएंगे यहाँ पे, फिर पौधे लगा के देखेंगे और देखें भाई अपना जो काम है वो कैसा चल रहा है। तो मैं जल्दी से जितने प्लांट्स हैं उन्हें लगा देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने सारे प्लांट्स लगा दिए हैं, बट इन्हें ना भाई थोड़ा बहुत ना मतलब क्या रह गया था भाई, हाँ फर्टिलाइज़र देने रह चुके हैं, तो मैं इन्हें फर्टिलाइज़र दे देता हूँ अभी। तो हाँ एक बॉक्स मेरे पास ना अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसे भी दे देंगे। बाकी हाँ मेरे भाई थोड़ी बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, तो इन्हें मैं जल्दी से जल्दी भर देता हूँ और फर्टिलाइज़र दे देता हूँ उसमें। तो मेरा काम पूरी तरह से भाई ख़त्म हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और आप सबको पता भाई मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी ये उग जाते हैं, तो हम चल के जल्दी से सो लेते हैं। तो इस वक्त सुबह के 7 बज चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं भाई हमारा फार्म वाला काम जल्दी से। देखो कितनी जल्दी भाई पूरा हो चुका है। हाँ पानी नहीं देना पड़ता इन्हें, क्योंकि वाटर्स की यहाँ लाइनें जा चुकी हैं। और हम जल्दी से नहीं जितने भी एप्पल हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं। और एप्पल क्या भाई हमारे पास अभी टमाटोज भी लगे हैं, हम भाई दो ही चीज़ यहाँ से बाय कर सकते हैं अभी, तो जब तक हमारे पास शॉप नहीं होगी खुद की। तो यार हम भाई अपनी रेटिंग नहीं बढ़ाएंगे, और उससे क्या होगा हम बाकी का सामान ले नहीं पाएंगे। बाकी हाँ जब हमारी शॉप होगी तो सोचो भाई कैसे अपडेट देखने को मिलने वाले हैं हमें। और गाइस आप सब सोच रहे हो भाई रेंज की वीडियो आज क्यों नहीं आई, तो शाम तक रेंज की वीडियो आएगी। मेरे को पता यार मैंने कल भी बोल दिया था, हाँ कल मैं थोड़ा बहुत काम में लग गया था, बट कोई नहीं आज भाई शाम को रेंज की वीडियो आ जाएगी। और हम एक नवा चैनल क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे भाई फ्लिन 2.0, और उस पर आएंगी चीट ये 5 की वीडियो, वो भी भाई एंटरटेनमेंट के लिए। तो आपको मैं लिंक भाई अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना वाला चैनल भी। साथ के साथ भाई मैं कम्युनिटी में जो भी पोस्ट मतलब यार कोई भी वीडियो डालूंगा तो कम्युनिटी में उसकी पोस्ट डाल दूंगा, तो वो भी आप चेक करते रहना। तो कोई नहीं अभी यहाँ पे मैंने देखो काफ़ी सारे टमाटो कलेक्ट कर लिए हैं, तो जल्दी से ये भी ख़त्म करो। तो ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। बाकी मैंने देखो यार सयान से भी बात करी थी कि यार हमें एक हाउस भाई हाउस रेस रखनी चाहिए या नहीं, तो उसने बोला क्यों नहीं भाई हम जरूर एक हाउस रेस बोल रहा हूँ, हॉर्स रेस भाई हम रखेंगे, जिसमें कि हम दोनों की रेस होगी आपस में, तो वो करने वाले हैं। और उसके लिए एक लैब बनाएंगे हम, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वो भी हम खेलेंगे लाइव, तो लाइव के लिए रेडी रहना। हाँ मैं जल्दी से बता दूंगा भाई लाइव कब आएंगे हम, तो रेडी रहना तुम सब, मैं कम्युनिटी में यार पोस्ट डाल दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं भाई हम जल्दी से जल्दी लगा देता हूँ। और आपके कोई कमेंट्स हैं तो मेरे को भाई लिख के बता दो, मतलब यार कुछ भी सजेशन है तो दे सकते हो आप। तो यहाँ मेरे पास जितने प्लांट्स हैं मैं इन्हें जल्दी से जल्दी लगा देता हूँ। और देखो मेरे पास $750 के आसपास है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई वहाँ से फर्टिलाइज़र लगाऊंगा। देखो मॉर्निंग तक भाई हमारा फर्टिलाइज़र है, उनकी जो भी अगर पाइप डलनी होगी पाइप डल जाएगी, अगर कुछ भी भाई जैसा होगा वो सब होने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अपने आप भाई ऑटोमेटिकली इन प्लांट्स में चला जाएगा। तो मैं चल देता हूँ भाई, देखो इतने सारे मेरे पास अभी फ्रूट है और वेजिटेबल है, इन्हें जल्दी से अपनी गाड़ी में लोड करते हैं। और हम भाई देखो मैं अगले एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि हमारी शॉप खुले। हाँ शॉप के लिए भाई मेरे को ये फार्म खरीदना पड़ेगा या शॉप खरीदनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज़ खरीदनी पड़ेगी, और मेरे को उसके लिए भाई फार्मिंग दबा के करनी पड़ेगी। तो कोई नहीं हम खोलेंगे, बाकी इसको मैं ना जल्दी से यहाँ रखता हूँ और जितने भी हैं अपने गाड़ी में जल्दी से लोड कर लेते हैं। जितना भी सामान था हमारे पास मैं जल्दी से भाई अपनी वेजिटेबल की शॉप पे ले आया हूँ, तो जल्दी से इसे बेचते हैं। तो मेरे पास भाई अभी हो चुके हैं $1000 के आसपास। बाकी मेरे को यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र अच्छा था, बट मैं जाके दूसरी दुकान में देख लेता हूँ, अगर वहाँ पे ऑफ़र अच्छा हुआ तो मैं वहीं पे इसे सेल कर दूंगा, मतलब यार सेल कर दूंगा इसे। तो चल के हम दूसरी शॉप पे चल के देख लेते हैं। तो गाइज मैं ना दूसरी शॉप पे गया था, बट उस पर ना अच्छा खासा प्राइस नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर ही पे बेच दूँ। बाकी हाँ इधर पे भाई काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा था मुझे, और मेरा भाई जो मेरे पास अकाउंट मतलब हमारे वॉलेट में पैसा है वो इस टाइम भाई 1000 कुछ के आसपास हो चुका है।
तो कोई नहीं, अब चलते हैं यार, हम थोड़ा यार मार्केट में चले लेते हैं, देख लूँ मैं अपनी हेल्थ वेल्थ चेक करवा लेता हूँ, पता लगे भाई हमें फिर से फीवर हो चुका हो। और मैं भाई इस टाइम बीमार नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि मेरे को फार्मिंग करनी पड़ेगी, और हमारा जो पैसा ना भाई इस बार ही काफ़ी ज़्यादा बचेगा और टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा बचने वाला है, तो यहाँ चल लेते हैं। तो मैं इससे भाई बात कर, अरे भाई इसने ना देखो यार थोड़ी बहुत हेल्थ ख़राब थी, बाकी इसने भाई देखो पूरे पूरे $100 ले लिए हमसे। तो क्या बोलूँ यार भाई, आज के ना ये वाला जो डॉक्टर है हमारा फार्मेसी वाला, इसने मेरे को आज तो लूट लिया, बाकी कोई नहीं, अब कि हम इसको लूटेंगे, जब हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन रहेगी तब आएंगे हम इसके पास। बाकी इससे भी मैं खाना वाना खा के चलता हूँ, अब फर्टिलाइज़र की भाई पेमेंट करनी है और वहाँ से अपने फार्म में फर्टिलाइज़र लगवाना है। तो कोई नहीं, अब निकलते हैं हम नर्सरी के लिए, बाकी नर्सरी के लिए मेरे को जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और हाँ गाइस, यहाँ पे हमारी जो जूस शॉप थी उसे भी देखना था, हाँ वो हमें मिलने वाली है $25,000 की जूस शॉप, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले हम वेजिटेबल शॉप तो ओपन कर लें, फिर उसके साथ के साथ लगे हाथ हम कर लेंगे जूस शॉप भी ओपन। बाकी मेरी गाड़ी में अभी तेल, हाँ तेल है भाई, मकैनिक की काफ़ी ज़्यादा हमारी गाड़ी को ज़रूरत है। तो कोई नहीं, अगले वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपनी गाड़ी भाई बनवा लें, तो अगले वाले एपिसोड में बनवाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ फर्टिलाइज़र लगवाने के लिए, थोड़ा बहुत जो प्लांट्स थे वो मैं वहाँ पे लगा के आ चुका हूँ अपने फार्म में, बाकी ये आ चुकी है भाई इनकी नर्सरी, तो इधर से हम चल के अब फर्टिलाइज़र लगवाते हैं और चल के देखेंगे भाई क्या सीन होता है। और जो तुम्हें छोटा सा दिखेगा ना यहाँ पे भाई ये फर्टिलाइज़र, तो कोई नहीं मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ, जल्दी से हम फर्टिलाइज़र को बाय करते हैं इनकी दुकान से। तो मेरे को उतरना पड़ेगा, जो बड़े वाला टैंक देख रहे हो ना भाई वो है इरीगेशन, जिसमें कि वाटर ऐड होता है, तो ऐड नहीं मतलब यार वाटर है, जिसकी भाई पाइप अभी जा चुकी हैं। तो यहाँ से हम भाई $1,000 का तो इसे बाय कर लेते हैं, तो मेरे पास अराउंड भाई 133 के अराउंड पड़े हैं डॉलर, तो यहाँ से चल के बाकी थोड़े बहुत प्लांट्स ले लेते हैं हम अपने लिए। और प्लांट्स का ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जिससे कि हम प्लांट्स भी लगा लेंगे। तो कोई नहीं, देखो मैं ये चीज़ें बाय इसलिए नहीं कर सकता, मुझे शॉप खोलनी पड़ेगी भाई, बता चुका हूँ, आप भी बोल रहे हो ना कितनी बार बताता है भाई आप। तो कोई नहीं, मैं यहाँ से ना पहले एक ये बाय कर लेता हूँ, मेरे पास ऐसे $58 है, तो ये $45 के आसपास है ना। तो एप्पल है ना जो भाई मैं इसलिए ख़रीदता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा पैसों के बिकते हैं, जिससे कि हमारे पास मतलब यार $50 के नहीं, इसके भाई तीन पेड़ $60 के अराउंड चले जाते हैं आराम से। और ये $45 में हमने बाय करा है, तो 15 से 15 $30 के, नहीं यार 30 नहीं भाई, हमारे को काफ़ी ज़्यादा यार एक तरह से देखा जाए 15-60, तो मेरे हिसाब से भाई हमें $75 का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाकी हाँ जितना पैसा होता है भाई वो प्लांट्स का ही होता है। और भाई मेरी गाड़ी को इस टाइम क्या हो चुका है, तो भाई मेरी गाड़ी ना टेढ़ी हो चुकी है, तो कोई नहीं इसे उछालता हूँ। और भाई ये गाड़ी कहाँ चली गई यार, तो इस गाड़ी को भाई निकालना पड़ेगा मेरे को, मेरे को यार पता नहीं था भाई ये गाड़ी ऐसे ग्लिच होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को गंदा लगा यार भाई, ऐसा क्या ही सीन है। तो कोई नहीं, अपनी गाड़ी को हम जल्दी से यहाँ से निकालते हैं। तो उस जंगल से अपनी गाड़ी को मैं निकाल के आ चुका हूँ अपने यहाँ फार्म में, बाकी तुम्हें दिखा देता हूँ भाई ये जो दो पाइपें डली हैं, एक है वाटर की और ये है भाई फर्टिलाइज़र की, जो कि तुम देख रहे हो। हाँ भाई यही जो हमारे पैसे लगे हुए हैं वो इनमें ही लगे हैं, और आप सबको दिख रहा होगा हमारा जो वाटर है और फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह से भाई ग्रीन आ रहा है, तो यही चीज़ का फ़ायदा है। तो मैं जल्दी से चल के सो लेता हूँ, बाकी यार इसको रखना चाहिए या नहीं। तो ये देखो भाई हमारा जो काम था वो इस टाइम पूरी तरह से हो चुका है, बाकी जल्दी से हम घर सोने के लिए चलते हैं। बट नहीं, तुम्हें दो टैंक तो दिखा दूँ भाई, ये रहा वो भाई इरीगेशन सिस्टम और ये रहा भाई फर्टिलाइज़र सिस्टम, जो कि तुम दोनों बॉक्स देख रहे हो वहाँ लगे हुए थे और हमने इस टाइम अपने फार्म में लगा दिए हैं। तो कोई नहीं, अब निकलते हैं भाई सोने के लिए भी, बाकी तुम ये देख लो थोड़ा बहुत, तो अब सोएंगे चल के अपने घर पे और सवेरे तक वेट करेंगे। देखो अभी 3 बज रहे हैं, तो कोई नहीं वेट कर लेंगे, बाकी चल के बेड पे लेटते हैं। तो गाइस मैं इस टाइम भाई उठ चुका हूँ, दोपहर का 3 बजे का सोया हुआ हूँ और भाई मैं अब जाके 7 बजे उठ रहा हूँ। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं हमारे जो प्लांट्स थे वो पूरी तरह से भाई बड़े हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पे भाई ये बड़े हो चुके हैं और देखो मेरे को फर्टिलाइज़र भाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इन बॉक्स में कलेक्ट मैं ये कर लेता हूँ, बाकी इन्हें मैं बेचने चला जाऊँगा। और भाई इस वाले एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फर्टिलाइज़र लगाना था वो हमने लगा दिया। हाँ भाई अब शॉप के लिए पैसा कलेक्ट करेंगे और जितना भी फार्म का सामान है ना मैं इसलिए कलेक्ट करने वाला है शॉप। आप कमेंट में मेरे को बताओ जाके मैं शॉप खोलूं या भाई इस फार्म को पूरी तरह से खरीदूं, अगले वाले एपिसोड में इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को कमेंट में जल्दी से जाके बताओ, तो मैं वही कर मतलब यार वही चीज़ करूँगा
और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जल्दी से कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।